शेड्यूल के 16 खिलाड़ी शेड्यूल से भूटान के लिए हुए रवाना। शेड्यूल में आपको बता दें कि लाठी के एशियन जज और नेशनल कोच प्रमोद विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शेड्यूल जिले के 17 खिलाड़ी साउथ एशियन प्रतियोगिता जो कि भूटान के थिम्पू में 5 से 6 अगस्त तक आयोजित होनी है। जिससे शहडोल जिले से सुमन तिवारी, प्रमेण सिंह, आंचल वर्मा, सना अंसवारी, अनामिका यादव, शिवानी यादव, अंश गोले, अंशिका गोले, अभिषेक जायसवाल, आर्या गुप्ता, अगमदीप और भविष्य सेठी का चयन किया हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धा में अपने अपने आयु वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता बनकर अपना स्थान भारतीय दल में बनाया है। बताया जाता है कि विगत 3 वर्षों ने नेशनल कोच प्रमोद विश्वकर्मा व सहायक प्रशिक्षक शिवानी नामदेव द्वारा सभी खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं कोच की भूमिका गुरुदीप सिंह और सुरेश सेठी रहेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से मुलाकात करने सभी खिलाड़ियों के साथ एशियन लाठी कोच प्रमोद विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने सभी खिलाड़ी बच्चों से मुलाकात कर सभी बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा सभी बच्चे अच्छा खेलें और अपने जिले का नाम देश विदेश में रोशन करें और यह सभी ने भी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सहायक आयुक्त आनंद राव सिन्हा, लाठी के संभागीय अध्यक्ष संजीव निगम, जिलाध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, संभागीय मैनेजर वानूपुर, जिला सचिव किशोर साकेत, विराट मार्शल आर्ट के कोच शिवानी नामदेव, संजय कंघीकार, अंकुश गुप्ता, संतोष गोले सहित अन्य खिलाड़ी और प्रशिक्षकों सहित बधाई दी। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। मैं गगनदीप सिंह, मैं भूटान जा रहा हूँ साउथ एशियन खेलने। इसमें मेरे 3 इवेंट में सिलेक्शन हुए हैं, 1 लाठी, डबल लाठी और लाठी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं स्वर्ण पदक जीत कर आऊँ और अपने भारत का नाम रोशन करूंगा, अपने शेड्यूल का नाम रोशन करूंगा। जी, मेरा नाम है प्रमोद विश्वकर्मा और मैं लाठी फेडरेशन एशियन जज हूँ और बताना चाहूंगा कि शहडोल जिले से 16 खिलाड़ियों का चयन भारतीय दल में शामिल चयन हुआ है, जो कि 16 बच्चे भारतीय टीम में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 से 4-5 अगस्त को भूटान के थिम्पू में साउथ एशियन लाठी प्रतियोगिता आयोजित होनी है, जिसमें शहडोल से 16 बच्चों का चयन हुआ है और ऐसी आशा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे प्रदर्शन करके सभी पदक प्राप्त करके वापस आए।